दोस्तों नमस्कार, मेरी फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम अपने छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें पेड़ पौधों की बहुत अधिक देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम इस तरह के फूल अपने छत पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जमीन में गार्डनिंग करते हैं, जमीन में पेड़ लगाते हैं, तो उनकी कुछ खास देखभाल की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। कम खाद, कम देखभाल से ही वो पौधे बहुत अच्छे प्रकार से चल जाते हैं। लेकिन छत पर जब गमलों में हम लोग उन पौधों को लगाते हैं तो हमें कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है। हमें समय समय पर खाद देनी पड़ती है और गमले को भी अच्छी प्रकार से तैयार करना पड़ता है, जिससे हमारा पौधा अच्छी प्रकार से चले। तो दोस्तों, आज का वीडियो गमला भरने के ऊपर है। मैं छत पर गार्डनिंग करने के लिए, अपने पौधों को लगाने के लिए जिस प्रकार से अपने गमले को तैयार करती हूँ, वो विधि मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने गमले की मिट्टी पौधे लगाने के लिए तैयार करती हूँ। तो आइए हम लोग गमला भरने की विधि को देखें। देखिए, मैंने ये नया गमला खरीदा है जिसको आज मैं भरने जा रही हूँ। मैं अपने गमले को जिस तरह से भरती हूँ वो आज आपको दिखाती हूँ। ये मेरे छत का झाड़ू लगा के जो कचरा इकट्ठा होता है उसे मैं बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ, उसको एक टोकरी में ऐसे टोकरी में इकट्ठे करते चलती हूँ। और ये गार्डन के जो पत्ते हैं निकलते रहते हैं, ये पत्ते भी एक जगह इकट्ठा करती हूँ। दोस्तों, हम लोग अपने घरों में नारियल लाते हैं तो नारियल का जो ये बाहरी छिलका होता है, ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत काम की चीज होती है। इसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, इसको भी मैं गमला भरने में इस्तेमाल करूंगी। उसके अलावा ये हमारे घर का किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट को भी बाहर फेंकना नहीं चाहिए, बाहर कचरा हो जाता है। इसको हम अपने गार्डन में, अगर हमारे पास गार्डन है तो हम उसको अपने घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे भरना है। ये गमला है, इसमें देखिए ड्रेनेज होल है। ड्रेनेज होल का गमले में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं या बारिश का मौसम होता है, अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और हमारे पौधों की जड़ें खराब हो जाएंगी, उसकी रूट खराब होगी और हमारा पौधा आखिर में खराब हो जाएगा। इसलिए आप जब भी गमला खरीदें उसमें ड्रेनेज होल को जरूर देख लें। उसके बाद हम लोग ड्रेनेज होल में एक इस तरीके की दीपक से हम लोगों का निकलता है दिया है, इसको उल्टा करके रख दें। इससे क्या होगा कि मिट्टी से इसका छेद नहीं भरेगा और नीचे से पानी हमेशा निकलता रहेगा। इसमें अब हम लोग जो हमारी गार्डन सॉइल है, ये हमारी मिट्टी है जो हमने इकट्ठा करके रखी हुई है, इसकी एक लेयर हम लोग डालते हैं नीचे, थोड़ी सी एक लेयर इसकी डाल देते हैं। उसके बाद ये जो हमने कचरा इकट्ठा किया है अपने गार्डन से झाड़ू लगा के, वो सारा कचरा हम इसी के अंदर भर देंगे। इस कचरे को इसके अंदर ऐसे डालते जाएंगे तो इसमें, इस कूड़े में थोड़ी देखेंगे आप मिट्टी भी है और मिट्टी के साथ पत्ता, सूखी गीली सारा कचरा जो है इसी के अंदर इकट्ठा है। आप इसको 5-6 इंच की मोटी परत में भर सकते हैं। सूखा कचरा भरने के बाद आप जो किचन वेस्ट से निकला है इस कचरे को इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको डालने से सही रहता है, अगर हम इसको नीचे डालेंगे तो नीचे इसमें पानी बहेगा, लेकिन अब इसमें अगर मॉइस्चर आएगा तो हमारा जो सूखा कचरा है वो इस मॉइस्चर को ले लेगा। उसके ऊपर से मिट्टी की एक परत और डालनी है, आप 2-3 इंच मिट्टी की परत इसके ऊपर डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम मिट्टी की परत लगा देंगे, उसके ऊपर फिर हम उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, फिर से हम अपने किचन के कूड़े को भर देंगे इस तरीके से। ये प्लास्टिक, अगर इस तरह की कोई प्लास्टिक हो, इसमें ये ध्यान रखना है कि घर का कोई पका हुआ भोजन इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हमारी कंपोस्टिंग भी खराब हो जाएगी और इसमें जो पौधा लगाएंगे वो पौधा भी खराब हो जाएगा। बाद में इसको हम मिट्टी से 2-3 इंच केवल मिट्टी से इस तरह से कवर कर देंगे, मिट्टी से भर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी देकर, थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का पानी दे देंगे। उसके बाद हम चाहें तो इसमें पौधा अभी से लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे
पालक है, पुदीना है, धनिया है, मेथी है, या फूलों के भी पौधे अगर लगाएं तो ऐसे पौधे लगाएं जिसकी जड़ें ज़्यादा गहरे में नहीं जाती हैं, मिट्टी में ही वो डेवलप करेंगी। जो ऊपर 3-4 इंच की मिट्टी हमने डाली है और धीरे धीरे हम जब पानी देंगे तो ये जितना कूड़ा इसमें पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, वेस्ट, वो नीचे दब जाएगा। आप देखेंगे 15-20 दिन में ये गमले की मिट्टी एकदम आधी हो जाएगी। उसके बाद हम ऊपर से एक लेयर और लगा सकते हैं, या हम चाहे तो केवल मिट्टी ही भर दें ऊपर से, और आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। 2-3 महीने में इसकी कंपोस्टिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। अगर आपने सीजनल प्लांट लगाया है तो वो पौधा जब हटाएंगे तो नीचे आपको कंपोस्ट भी मिल जाएगा, और ऊपर से जब तक कोई पौधा लगा रहेगा उसको अलग से खाद देने की जरूरत नहीं है, इसी में से उसको खाद मिलती रहेगी। अब अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।